अभी इसमें भी आप अच्छे से देखेंगे तो आपको सेम चीजें करनी है जैसे यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर बनाना है और कैसे बनाना है सेट स्क्वायर यूज करके थर्ड लाइन में हमने ऑलरेडी सीख लिया है फिर से हम एक क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे क्वेश्चन नंबर टू में देखो आपको क्या यूज़ करना है कंपस एंड रूलर ठीक है और क्या बनाना है परपेंडिकुलर ओके क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको कंपस एंड रूलर यूज करना है लेकिन आपको बाइसेट करना है वो लाइन

द लाइन मतलब लाइन के बाहर लाइन के ऊपर नहीं लेना line के बाहर लेना मतलब आपको ये set square use करके एक line बनानी है लाइन पी क्यू जो क्या होगी वो परपेंडिकुलर होगी लाइन एल को परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे होगी लाइन एल के तो आप कैसे करेंगे ये सेट स्क्वायर को हम लोग ऐसे ले आएंगे यहाँ पे देखो यहाँ पे इसके एकदम टच हो रहा है फिर ये पॉइंट पी उसके राइट right में रखेंगे ऐसे ठीक है और हम लोग यहां से एक लाइन पास करेंगे तो यहां से एक लाइन बनाएंगे ऐसे ठीक है तो ये देखेंगे आप अच्छे से तो ये क्या बन गया ये बन गया इसका परपेंडिकुलर, क्योंकि ये यहां पे 90 डिग्री है ठीक है तो हमने सेट करके लाइन एल पे

दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है लाइन टेक पॉइंट एम एनी आउटसाइड आउट द लाइन मतलब ये पॉइंट एम मैंने लिया इट हैज टू बी आउटसाइड द लाइन इसलिए लाइन के बाहर है वो ठीक है लाइन के ऊपर नहीं है यूजिंग अ कंपस एंड रूलर ड्रॉ अ लाइन एम एन परपेंडिकुलर टू लाइन ए अब मुझे एम एन बनाना है मतलब वो एम से तो शुरू होने वाला है मतलब एम एक लाइन बनेगी यहां से ऐसी ऐसे नीचे जाएगी जो ए बी को परपेंडिकुलर होगी मतलब ए बी को नाइनटी डिग्री पे होगी क्या यूज करना है मुझे कंपस एंड रूलर तो यहां पे मैंने कंपस ले लिया कंपस का जो पॉइंटेड वाला पार्ट होता है नीडल वाला वो यहां पे एम पे रख दिया और जो पेंसिल है वो मैंने इस तरफ रखा देखो यहां पे अब इससे क्या करना है आपको देखो हमको चाहिए कि हमारा जो परपेंडिकुलर हो वो एम से शुरू हो क्योंकि यहां पे लिखा है ना ड्रॉ लाइन एम एन परपेंडिकुलर टू ए बी तो एम से शुरू होने वाला है ना तो हम लोग एम पे नीडल रखेंगे और ये वाला जो कंपस है इससे ये जो लाइन है इसके ऊपर दो आर्क्स बनाएंगे देखो एक आर्क मैंने एक आर्क यहां पे बना दिया और मेजरमेंट सेम एम पे ही रखकर फिर दूसरा आर्क मैंने यहां पे बना दिया ठीक है अब ये दोनों आर्क्स को नाम दे दो सी एंड डी दे सकते हो आप लोग तो मैंने दोनों आर्क्स को नाम दे दिया सी डी अब एम से होता हुआ एक परपेंडिकुलर बायसेक्टर हम सीडी पे बनाएंगे कैसे ये जो पॉइंट है ना इसका ये पॉइंट पहले अब सी पे रख दो ठीक है ये सी पे रख दिया हमने तो अब हम लोग ये कंपस का नीडल सी पे रखेंगे देखो हमको एक लाइन बनाना है एम से परपेंडिकुलर जाता हुआ एम एन तो मेरे पास एक पॉइंट एम ऑलरेडी है लाइन एम एन का तो मुझे एक और पॉइंट चाहिए वो एक और पॉइंट मैं कैसे लाऊंगा ये जो कंपस है इसको हम लोग थोड़ा हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे ठीक है हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर इसमें यहां पे एक नीचे आर्क बना देंगे नीचे एक आर्क बन गई ऊपर एक एम तो ऑलरेडी है हमारे पास ठीक है तो हम लोग वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके फिर एक लाइन बना देंगे तो यहां पे मैंने एक आर्क बना दिया फिर ये वाला जो पॉइंट है कंपास का पॉइंट हम लोग डी पे शिफ्ट कर देंगे ठीक है और डी पे शिफ्ट करने के बाद वहां से हम लोग ये कंपस से यहां पे एक और आर्क बनाएंगे ठीक है तो मुझे ये पॉइंट मिल गया देखो यहां पे इंटरसेक्शन होता हुआ इसको मैं एम से ज्वाइन करूंगा रूलर यूज करके तो मुझे क्या मिलेगा मुझे एम एन मिलेगा ये पॉइंट को मैं एन लेबल कर सकता हूं और वो लाइन परपेंडिकुलर होगा सी डी को तो देखो इन दोनों को ज्वाइन करना है आपको यहां पे ओके इसको ज्वाइन करते हैं तो ये स्केल यहां पे रखकर एम पॉइंट और ये जो आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पे दोनों आर्क एक दूसरे को कैंसिल कर रही है वहां तक का एक लाइन खींच लेते हैं कैसे आएगा देखो ये ऐसे आ जाएगा अब ये स्केल हटा के देखो आपको समझ में आएगा कि ये जो लाइन बना है एम और यहाँ पे जो आर्क का इंटरसेक्शन उसको एन लेबल कर दो तो ये पॉइंट को मैंने एन लेबल कर दिया देखो यहाँ पे एम एन क्या है एम एन ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसको ए बी को क्योंकि ये एंगल जो यहाँ पे आ रहा है ये 90 डिग्री आ रहा है आया समझ में तो हमने कंपस और रूलर दोनों यूज करके ये बनाया क्या किया था सबसे पहला स्टेप क्योंकि M से पास होने वाला लाइन चाहिए था इसलिए जो कंपस का पॉइंट है वो M पे रखा ठीक है और थोड़ा सा डिस्टेंस लेके ये जो लाइन दिया था AB उसके ऊपर दोनों तरफ आर्क्स बना दिए ये देखो ये C के ऊपर एक आर्क है और D के ऊपर एक आर्क दिख रहा है यहाँ पे दोनों के यहां पे आर्क बना दी फिर कंपास सी पे रखा और आधे से ज्यादा डिस्टेंस लिया आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके नीचे आर्क बनाई ऊपर क्यों नहीं बनाई बिकॉज ऊपर पॉइंट ऑलरेडी है आर्क क्यों बनाते हैं हम लोग ये आर्क बनाते हैं ताकि हम लोग को एक पॉइंट मिले ठीक है तो सी पे रख के एक आर्क ऐसे खींची फिर डी पे रख के वो आर्क को कैंसिल किया तो मुझे पॉइंट मिल गया एन फिर ये लाइन खींच दिया एम एन जो बन गया ए बी को परपेंडिकुलर जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में पूछा था आया समझ में स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आपको ये खुद से अभी के अभी प्रैक्टिस करना है अगर अभी के अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग भूल जाओगे और एग्जाम में जाके डायरेक्टली करने जाओगे तो नहीं आएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट फोर्टी का क्वेश्चन थ्री है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो देखो मैंने यहां पे एक सेगमेंट बना दिया जिसका लेंथ कितना है फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर यहां तक है ठीक है इसको नाम दे देंगे ए बी बाइसेक्ट इट यूजिंग अ कंपस एंड रूलर बाइसेक्ट का मतलब होता है बाय मतलब टू तो इसके दो इक्वल टुकड़े करने है. क्या यूज करके कंपस एंड रूलर यूज करके मतलब बीच में से एक लाइन यहां पे जाएगी जो लाइन ये जो एग्जिस्टिंग लाइन है ए इसको दो टुकड़ों में डिवाइड करेगी जो इक्वल टुकड़े होंगे ठीक है तो स्केल हटा देते हैं हम लोग ये लाइन को नाम दे देते हैं ए बी फिर मैंने ये कंपस का जो पॉइंट होता है नीडल जो पॉइंटेड पार्ट होता है वो ए पे रखा और डिस्टेंस कितना लिया देखो डिस्टेंस मैंने लिया हाफ से थोड़ा ज्यादा ठीक है हाफ से थोड़ा ज्यादा लो बी तक मत लेना पूरा नहीं तो यहाँ पे आर्क है ना सर्कल बन जाएगा और इंटरसेक्ट नहीं होगा हाफ से ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है उससे हाफ से थोड़ा ज्यादा ठीक है तो यहां पे देखो मैंने थोड़ा ज्यादा लिया और यहाँ पे भी आपको आर्क बनाना है तो यहाँ पे एक आर्क बना दो फिर नीचे ले जाओ नीचे भी एक आर्क बना दो ठीक है अब ये जो कंपास है इसको बी पे रख दो फिर बी पे रख के हम लोगों को ये आर्क को इंटरसेक्ट करना है तो इसको इंटरसेक्ट करो फिर इसको ऊपर ले जाओ और ऊपर भी इसको इंटरसेक्ट करो ठीक है अब आपको ऐसा लग रहा होगा ये आर्क छोटा आया है यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा लेकिन देखो हमको एक पॉइंट मिल गया है यहाँ पे मतलब इंटरसेक्ट तो कर रहा है तो हमको फर्क नहीं पड़ता मैंने जान के ऐसा किया है ताकि आप कंफ्यूजन में ये ये इरेज मत कर दो ये इंटरसेक्ट हो रहा है देखो यहां पे बस उतना ही चाहिए हमको स्केल यूज करके ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर देना है चलो करते हैं अब यहाँ पे स्केल रख दिया ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट दोनों पे इंटरसेक्शन लगाना है हमको दोनों पे से ये लाइन पास होना चाहिए ये हमने यहाँ से ड्रॉ करके इसको ऐसे इंटरसेक्ट करवा दिया अब स्केल हटा दो साइड में देखो आपको क्या दिख रहा है ये जो सेगमेंट ए बी है इसके दो टुकड़े हो गए पे ये वाले पॉइंट पे क्योंकि यहाँ पे ये बाइसेक्ट हो रहा है तो इसको एक नाम दे सकते हैं हम लोग तो मैंने इसको देखो यहाँ पे नाम दे दिया पी क्यू और फिर क्या लिख दिया लाइन पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी ये पी क्यू जो है ये ए बी का परपेंडिकुलर है यहाँ पे परपेंडिकुलर तो है ही लेकिन बाइसेक कर इसलिए देखो ये वाला टुकड़ा इस पर भी दो मार्क है और ये वाला टुकड़ा इस पे भी दो मार्क है ये दोनों टुकड़े यहां से दोनों इक्वल है उसका मतलब ये बाइसेक्ट हो गया है। क्या यूज किया हमने कम्पस एंड रूलर ठीक है अच्छे से वापस देखो एक क्वेश्चन और खुद के नोटबुक में सॉल्व करो क्वेश्चन फोर दिया है टेक पॉइंट आर ऑन लाइन एक्स वाई कोई मेजरमेंट नहीं दिया है तो मैंने एक बड़ा लाइन ले लिया एक्स वाई देखो यहाँ पे एक्स और वाई और उसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया r बिकॉज़ लिखा है टेक पॉइंट r ऑन लाइन xy ठीक है ड्रा अ परपेंडिकुलर टू xy एट r तो ये r पे एक परपेंडिकुलर ऐसी एक लाइन सीधी बनानी है ताकि वो xy को परपेंडिकुलर हो यूजिंग अ सेट स्क्वायर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हम लोग ये सेट स्क्वायर यहाँ पे r पे ले आएंगे देखो एकदम लाइन में आ रहा है ठीक है अब ये एक लाइन बनाएंगे जो इससे पास हो रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर सेट स्क्वायर से आया ना हो ये ऐसे आ जाएगा अभी सेट स्क्वायर को साइड में हटा दो देखो ये लाइन जो आया ये आ गया परपेंडिकुलर तो यहां पे इसको नाम दे दिया पी आर और ये पी आर क्या है इट इज नाइन्टी डिग्री देखो यहां पे परपेंडिकुलर तो मैंने यहां पे नीचे लिख दिया लाइन पी आर परपेंडिकुलर टू एक्स वाई हमने क्या यूज किया सेट स्क्वायर देखो ये सेट स्क्वायर यूज करके परपेंडिकुलर बनाया बहुत ही ईजी क्वेश्चन सिर्फ सेट स्क्वायर को पॉइंट पे रखा और एक सीधी लाइन खींच दी और वो लाइन क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर ओके okay? जल्दी से खुद के बुक में प्रैक्टिस करो